कह रहा हूं कि आज कोई जन खाली आज वापस नहीं जाएगा। आज परमेश्वर यहां पर आया हुआ है आपके बीच में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुबह 4 बजे कि जितने लोग आज क्रिसमस पर अपने घरों से निकल कर आएंगे, परमेश्वर ने कहा कि आज फरिश्ते उनके लिए निकल कर आएंगे स्वर्ग से। आज यहाँ पर फरिश्ते आए हुए हैं, फरिश्ते आपको विश्वास करना है, फरिश्ते आज आपकी जिंदगियों में आशीष लेकर आएंगे। मैं कह रहा हूँ कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। आइए अपने हाथों को उठाओ, बड़े दिन के अंदर चाहे कोई किसी धर्म में किसी जात में कहीं कहीं से भी आया हो, लेकिन ये हमेशा मिसाल है इस बात की, जिसने जो मांगा परमेश्वर से उसने दिया है। आमीन। आज कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक एक याजक दुआ नहीं करता। मैं कह रहा हूँ आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आयो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अबलबा शबलबाबलबा 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 शबलबा राचा रबा सना योवरे रे 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 इफ्ते खुल जाए आकाश। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, हर एक जन के लिए पिता, जो लोग यहाँ पर हाथ उठाकर खड़े आए हुए अतिथि गण के लिए, हर एक चीफ गेस्ट के लिए, हर एक पुलिस प्रशासन के लिए, मिनिस्टर के लिए, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, संगत के लिए, अपने टीम मेंबर, वॉलंटियर, क्वायर के लिए, हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा तू स्वर्ग से आज अपने लोगों को आशीष दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज कर दे पवित्र आत्मा जी। सनिया से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज के दिन तू अपने लोगों को छू ले, आज छू ले, आज छू ले, आज छू ले, आज परमेश्वर तेरा अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करें लोग आज कि तू पवित्र आत्मा बात करता है परमेश्वर। आज जितने लोग यहाँ पर परमेश्वर अपने बच्चों, अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए आज तुझसे मांग कर जा रहे हैं, तेरे वचन में लिखा तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दे दूंगा। मेरा परमेश्वर इसी समय मेरे हाथ उठाने पर पवित्र आत्मा जी आज इनके घरों में शांति आने पाए, बरकतें मिलने पाए, आज से छुटकारे आने पाए। पवित्र आत्मा हर एक जन का जीवन आज से बदलने पाए, हर एक आशीष इनके घराने में आने पाए परमेश्वर। ये सच में नया साल आने वाले समय में पवित्र आत्मा जो 2023 है मेरे प्रभु हमारे लिए 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है परमेश्वर। पवित्र आत्मा 2023 में प्रार्थना विनती के साथ प्रवेश करना चाहते हैं परमेश्वर, हमारी दुआएं पवित्र आत्मा कबूल कर परमेश्वर, विनती को सुन। सच्चे रब सच्चे बादशाह मैं तेरी अग्गे अरदास करदा, तेरी बढ़ियाई तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद करदा, मैं विश्वास करदा कि सच्चे मालक तू ऐसे हैगा सानू आशीष देने वास्ते। तेरी भलाई स्वर्ग से रिलीज होने पाए सब में, आमीन। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, आमीन। अपने मुंह को खोलो आज, हमारे बीच में प्यार किया, तूही ने मेरा उधार किया। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे घरों में, सब कहे प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, परमेश्वर की प्रेजेंस यहां पर है, शोर पहुंचे आप खाली हाथ नहीं जाएंगे आज, वो देख रहा आपको, यहोवा एलोही, फिर से कहे अपनी आत्मा में कहे एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, फिर से कहे
प्रस्तिश करते हैं सच्चाई से रू की मदद से और गहराई से हम प्रस्तिश करते हैं सच्चाई से रू की मदद से और गहराई से प्रस्तिश का माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में प्रस्तिश का शोर पहुंचे तेरे कानों में यहोवा एलोही सब कहे यहोवा एलोही होली आज हमारे जीवन में काम करेगा एलोही वासी देगा आज कोई जन खाली आज वासी देगा आज आत्मा कहता है जो लोग इस समय प्रार्थना में परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है yes. जो विश्वास कर रहे हैं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष को देगा yes. मैं देख रहा हूँ yes. जो 2022 में 21 में दिसंबर को हमने भविष्यवाणी किया था पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था कितने लोग जानते हैं 2022 में वो पूरी हुई है yes. हर एक जन लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कुछ भविष्यवाणियों में आज आपको 5 भविष्यवाणियां दे रहा हूं आप फिर से देखेंगे 2023 में ये पूरी होंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर आप सुनेंगे मैं आत्मा में देख रहा हूं प्रभु ने मुझे आज सुबह 4 बजे ये भविष्यवाणियां दी पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो और प्रभु ने दिखाया कि 2023 के अंदर 2 बड़ी शक्तियां 2 बड़े देश एक हो जाएंगे एक लेडीज होगी और एक जेंट्स होगा और आप देखेंगे वो पूरी दुनिया के ऊपर एक शासन की तरह मंडलाएंगे बहुत सारे लोग जब परमेश्वर से दुआएं करेंगे उनका शासन टूट जाएगा आमीन मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे बहुत सारे लोगों को महसूस होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद 24-25 के बाद आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी 5 करेंसियां फिर कर रहा हूं कि आपकी करेंसियां 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं आत्मा खर है मैंने ऐसे देखा अभी और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर अच्छा नहीं है लेकिन आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो लोग परमेश्वर से भक्ति करते हैं उनके लिए आनंद भरा आएगा यीशु मसीह के नाम में आप सुनेंगे मैं कह रहा हूं कि भविष्यता अच्छा नहीं लगता भारत के देश के अंदर मैंने पहले भी कहा था कि 2020 में 2019 में कि कोरोना आएगा और 21 में भी कहा था कि 2022 जैसे ही खत्म होगा फिर से एक लहर आएगी और अभी आप न्यूज में सुन रहे हैं और बहुत सारे लोगों को 2023 में प्रॉब्लम आएगी मैंने देखा टिड्डियां आएंगी मैं आत्मा में देख रहा हूं फसलें खराब करेंगी और आप यूक्रेन के अंदर आप सुन रहे हैं फ्रांस के अंदर मैं देख रहा हूं ऐसे रूस के अंदर ताइवान के अंदर जगह जगह पर आप सुनेंगे कि युद्ध शुरू हो जाएंगे कुछ लोग युद्ध करेंगे लेकिन वो परमाणु बम में बदल जाएगा वो तीसरी लहर में बदल जाएगा तीसरा युद्ध में बदल जाएगा जब पिछले साल नहीं हुआ वो होगा महंगाई फिर आसमान को छुएगी लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास सोना चांदी होगा उसका व्यापार अच्छा होगा याद रखना आने वाला समय आपके लिए सोने चांदी का चांदी सोने से महंगी हो जाएगी ये आने वाले 1.5 साल के अंदर प्रॉफिट की बात समझ में आएगी आपको जर्मनी से यूरोप से ऐसे किस्से सुनने को मिलेंगे परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए जा रहा है अपने लोग जो बहुत सारे लोग अपने आप को तुच्छ समझते हैं परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाएगा जो मेरी बात को समझ रहे हैं जो विश्वास करना आत्मा कहता है अगर आपके पास जमीन है मत बेचो खेती है मत बेचो होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है जिसका पशु होगा आने वाले समय में पशु का बिजनेस आपका बढ़ेगा वो लोग मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर उन्हें आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में बहुत सारे लोग आशीष को देखेंगे जिन लोगों ने मैं देख रहा हूं जिनके नाम जी आर एस
JMNP से और पी से जिन्होंने अब तक हाथ नहीं उठाए, अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, मैंने देखा कि फरिश्ते निकल रहे हैं 2023 में, जिनकी बिल्डिंगें रुकी हुई हैं, जिनके प्लान रुके हुए हैं, जिनके लोन उतर नहीं रहे हैं। मैंने कहा लोन नहीं, लोन लिया लेकिन उतर नहीं रहा, चाहे वो करोड़ों का है चाहे वो छोटा है, लेकिन परमेश्वर के दास इसी समय मैं देख रहा हूं यहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कुछ फरिश्ते यहां घूम रहे हैं, आज के बाद वो फरिश्ते आपका लोन उतारेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखोगे, आमीन। आप जो यहाँ पर भी खड़े हैं इसी समय फाइनेंस को बढ़ता हुआ देखेंगे, आमीन। मैं किसी बहन को देख रहा हूँ जिसका नाम बबली है, बबली ऐसे कुछ नाम है उसका, और उसके पास बेटा नहीं है। अगर वो मेरी आवाज को सुनती है इसी समय अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और ऊपर की ओर देखो, इस समय जो भी कुछ आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। मैंने ऐसे देखा आत्मा में कि कोई भोली, किसी का नाम भोली, भोली बच्चा नहीं है तेरे पास, भोली आत्मा तुझे बुला रहा है। अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो जिसके पास बेटा नहीं है, वो लेडीज स्क्रीन के सामने पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया कि बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है, बबली और भोली। मैं ऐसे देख रहा हूं आत्मा में कि बहुत सारे लोगों के ऊपर आज परमेश्वर आशीषों को खोल रहा है, भोली। मैं कह रहा हूँ कि हालेलुया, प्रभु जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि किसी का नाम बोली है और ये बहन बता रही कि मेरा नाम बोली है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। यस,